अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेस्ट एट इट्स पीक। आज हम किचन में कुल्फी फलूदा बनाने जा रहे हैं, जो कि एकदम रिफ्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार होता है। कुल्फी फलूदा के अज्जा ये होंगे: खोया 1 कप, चीनी 1/2 कप, इलायची पाउडर 1 टीस्पून लेंगे, क्योरासेंस 1/2 टीस्पून लेंगे, बादाम और पिस्ता चॉप्ड दोनों 1 टेबलस्पून लेंगे, दूध 1 कप लेंगे, पानी 1 गिलास लेंगे, चीनी 3 से 4 टेबलस्पून लेंगे, जबकि कॉर्नफ्लोर 1 कप लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट हम नॉर्मल आंच पर पैन में दूध डालेंगे। फिर चीनी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। नेक्स्ट हम इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं, फिर पिस्ता डालेंगे, और फिर हम बादाम डाल रहे हैं। अगेन मिक्स करेंगे और खोया ऐड करेंगे। मसलसल स्टर करते जाएं जब तक थिक ना हो जाए। और लास्ट पर क्योरासेंस डालेंगे। और आंच बंद कर देंगे। थोड़ा ठंडा करके 6 से 7 घंटों के लिए फ्रीजर में रख दें। दो चम्मच तुह मलंगा को पानी में भिगो दें 1/2 घंटे के लिए। सेवइयां बनाने के लिए नॉर्मल आंच पर अब हम एक पैन रखेंगे और उसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और फिर चीनी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अब कॉर्नफ्लोर को 1 कप पानी में मिक्स कर लें और अच्छी तरह मिक्स करें कि डेलियां सब खत्म हो जाएं। अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा थोड़ा करके पैन में डालते जाएं और साथ साथ चम्मच से हिलाते जाना है। जब कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाए तो आंच बंद कर दें। अब हम एक बड़े बाउल या बर्तन में बर्फ डालेंगे और 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब एक बटर लेकर उसमें सुराख कर लें, फिर कॉर्नफ्लोर वाला मैदा इसमें डाल दें और सेवियां तैयार कर लें। ऊपर से बटर को मैं प्रेस करती जा रही हूँ, नीचे ढक्कन के सुराख से सेवियां बनकर निकलती जा रही हैं। आप स्क्वीज बटर या पाइपिंग बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट बाद इन सेवियों को ठंडे पानी से निकाल लें। फर्स्ट हम कुल्फा डालेंगे, फिर सेवइयां डालकर ऊपर तो मलंगा डालेंगे और लास्ट पर बचाया हुआ पिस्ता बादाम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही ठंडा और मज़ेदार कुल्फी फलूदा तैयार है।